फेंको, चितंदर को बाहर फेंको, बाहर फेंको, बाहर फेंको, चितंदर सिंह डाउन 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 कलेक्टर और छोड़ो। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है मुखर्जी नगर बत्रा में और यहाँ पर सी सेट के लिए जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार हमने प्रोटेस्ट कवर किए हैं और अभी भी बहुत यहाँ हज़ारों के संख्या में छात्र है। कैंडल मार्च भी निकला हुआ है अभी अभी, जो कि हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो अभी यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इनसे हम जानना चाहेंगे इन लोगों का क्या मुद्दा है, किस लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बार बार। आइए जानते हैं इन लोगों से। जी भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम अंकेश हुआ। ओके आपका नाम क्या? अंशु यश। ओके तो ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों का चल रहा है ये मैं देख रहा हूँ कई दिनों से चल रहा है, पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा है। तो बार बार ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहा है ये किस लिए कर रहे हो? जो सबसे कोर ऑफ द कोर रीजन है वो तो सी सैट का है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि इस साल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया। हाँ। मेरे ख्याल से जो मैं देख सक रहा हूँ 2020 से इन्होंने ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया था, बट वो एक दो होते थे या 3-4-5 इतने होते थे और वो भी आसान होते थे, डुएबल होते थे, जो मतलब हल्का सा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस बोल लो या थोड़ा सा सोच लो तो बन जाते थे। पर इस बार जो क्या हुआ ना 2023 में, दो चीज़ हुई। एक तो आपने पेपर बहुत लेंदी बना दिया। ओके। और तो आपने जो क्वांटम ऑफ क्वेश्चन होता है सीसैट का, सॉरी जो आउट ऑफ सिलेबस का था उसको आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अच्छा। अगर 4-5 होता तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि 2020 में भी आपने पूछा, 21 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, लेकिन प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। मतलब हर साल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा आ रहा है। बात वही ना, जब आप मतलब आपका पेशेंस खत्म हो जाता है ना तब आप प्रोटेस्ट करते हो। जब एक दो होता है या 3-4 होता है ना तो बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते, सोचते चलो ठीक है हम बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा पूछो आउट ऑफ सिलेबस, वो भी आसान नहीं, आप अच्छे लेवल का पूछो प्लस वो लेंदी पूछो। मैं आपको बता सकता हूँ, क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर आप इंग्लिश ले लो और मैथ्स ले लो, आप एक इंग्लिश के एक्सपर्ट को बैठाओ, उसका टाइम देखो कितने में कर रहा है, प्लस आप एक मैथ्स एक्सपर्ट को बैठाओ, उसको बोलो सेपरेटली पेपर करने के लिए, आप दोनों का टाइम का समेशन करो, इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 घंटे में पेपर किया जा सके। जो चल रहा है ना कि हाँ बस 33% लाना है, 33% लाना है, सर गलतफहमी है, वो 33% नहीं है, वो रियलिटी में 80-90% है, है ना, वो बस कहने वाली बात है 33% है। जब आप करने बैठोगे ना तो समय ऐसे भागेगा और आप पता लिखेगा कि हाँ आपके 20 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो इस बार आपने अटेम्प्ट दिया था? हाँ दिया था, तभी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपका हो नहीं पाया? नहीं। ओके तो इसका वजह क्या है, सी सेट है या फिर क्या है? सी सेट है, इसी वही मैंने बोला ना, जो कोर ऑफ द कोर रीजन है वो सी सेट का ही है, क्योंकि इन्होंने ये लिखते हैं क्लास 10th लेवल, है ना। और अगर मैं बताऊँ, अगर आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, किसी भी टीचर से पूछ लो, 10th लेवल तो था ही नहीं, है ना। पर म्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर जैसे अगर आपने आपका 11th-12th में मैथ रहा होगा तो मैं आपको प्रूफ कर दूं कि ये क्लास 11th या 12th का लेवल है ना, 10th लेवल तो है ही नहीं, है ना। बस बोलने से नहीं होगा ना कि हाँ आप मैनुअली कर सकते हो, आप गिनती पे कर सकते हो, आप करने बैठो, अगर आप मैनुअली करोगे ना एक क्वेश्चन को करने में आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे, आपको 2 घंटे में कम से कम, है ना, 28 क्वेश्चन करने होते हैं, 27-28 क्वेश्चन करने होते हैं, 27-28 क्वेश्चन आप तब करते हो जब आपकी एक्यूरेसी 100% है, है ना। कम से कम आपको अगर अच्छा मार्क करना है ना, आपको कम से कम 40-50 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। और जब आप एक क्वेश्चन को 10 या 15 मिनट में करते हो तो आपका समय नहीं बचता कि आप उसको कर पाओ। तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे और बहुत ही टाइम टेकिंग था, इस वजह से आप लोगों का हो नहीं पाया, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। और बात है ना, एलिमेंट ऑफ लक भी है, है ना। अगर किसी ने मैथ से स्टार्ट किया, है ना, तब तो बर्बाद हो चुका है। किसी ने इंग्लिश से स्टार्ट किया तो उसकी होने की संभावना इसलिए है क्योंकि इंग्लिश इस बार आसान था। और फिर वही बात है ना, रेत में आपको वो नीडल खोजने वाली बात हो गई, रेत दे दिया कि आप नीडल खोजो, आप बोलते हैं ना आसान क्वेश्चन चुनो, खोजने में तो टाइम लगेगा, ऐसा थोड़े कि मैंने जो क्वेश्चन चुना वो आसान हो। जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं मुझे पता कैसे चलेगा क्वेश्चन आसान है कि डिफिकल्ट है। चलिए यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या? मेरा नाम हिमांशु कुमार है। आपने भी इस बार अटेम्प्ट दिया था? हाँ मैंने भी अटेम्प्ट दिया था। ओके फिर हो नहीं पाया आपका? नहीं नहीं हो पाया। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट? हाँ हाँ। ओके आपका मीडियम क्या है? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी है? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो पिछले कई दिनों से, 2-2.5 महीने हो गया है बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ रिजल्ट तो इसका आ नहीं रहा है, तो क्या क्या मांगे आप लोग? उसी पर्पज़ से हम लोग आए हुए थे कि UPSC का जो रवैया है अभी, जैसा कि देखने में आ रहा है काफ़ी सालों से, जब सीसेट लागू हुआ था तभी शुरू में तो कुछ ठीक थी, उसके बाद धीरे धीरे UPSC अपना लेवल बढ़ाते गई थोड़ी देर की, और अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि सीसेट के जो इस बार के पेपर हुए, मैंने भी दिया इस बार, तो मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गए, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मात्र 20 ही कर पाया था 1.5 घंटे में, और टोटल 27 क्वेश्चन उसके सही करने होते हैं।
और 20 क्वेश्चन में भी मैं ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि वो 20 क्वेश्चन में मेरा कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, खास करके रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन थे वो IIT और कैट लेवल के थे। अच्छा। वो 12 लेवल से भी हाई था, वैसा क्वेश्चन कैट में आता है जो UPSC या सिलेबस में दिया हुआ था उसमें से कुछ नहीं आया। वो बिल्कुल नहीं, UPSC का जो डिमांड है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, चाहे वो मैथ के लिए लिखा हो चाहे वो रीजनिंग के लिए लिखा हो, कि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है कि 10th लेवल तक का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। स्टूडेंट मन में ये लेके चलता है कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10th लेवल तक का, स्टूडेंट उसी अपेक्षा तैयारी करता है, उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने हम लोग बैठते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कहीं हाई है, और एक क्वेश्चन को बनाने में 2 घंटे का महज टाइम होता है, 2-3 घंटे का। और जब आप बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम जो है चले गया, और जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही कम होता है आपसे बना हुआ होता है। ऐसे में सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, किसी के लिए भी CSET आसान तो बिल्कुल नहीं है। उस पर इस बार जो है दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी दायर किया गया है, उसमें शायद दिल्ली हाई कोर्ट 3 वीक्स का टाइम जो है 3 वीक का टाइम UPSC को दिया है कि आप जो भी आपका डिसीजन है वो हमें बताएं कि क्या करना है, आगे नहीं करना है, आप क्या कहना चाहते हैं, उस पर्पज से बताने के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट जो है बोली है UPSC को। और इस बार 23 से ज़्यादा क्वेश्चन IIT और जो है कैट लेवल के थे, इसी वजह से जो हम लोग CSET के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इसके लिए UPSC को कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट के लाइफ का सवाल है, बहुत दूर दूर से छात्र आते हैं, यहाँ रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं।